लास्ट फुल लेंथ टेस्ट की, लास्ट फुल लेंथ टेस्ट की बात करते हैं हमारे पास। स्टार्ट करते हैं भाई, ये 11th 12th नंबर का होगा, इसके बाद तो नहीं है, और फुल लेंथ टेस्ट नहीं करेंगे, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, दोनों करेंगे, सी साइड भी, पेपर वन भी करेंगे, पेपर टू भी करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर वन है, विद रेफरेंस टू बायो रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल, हमको बात किसकी करनी है, बायो रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल की बात करनी है, बायो आर आर ए पी। ओके, इट इज़ अ सिंगल पोर्टल फॉर बायोटेक रिसर्च एंड स्टार्टअप, बिल्कुल सही है, एंड इट वॉज डेवलप्ड बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नो, इसको डेवलप किसने किया है, इसको लॉन्च किसने किया था, इसको लॉन्च किया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, सो दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड है बायो, बायो पर आईडी इज अ यूनिक आईडी जनरेटेड व्हेन अ रिसर्च प्रपोजल इज सबमिटेड ऑन दिस पोर्टल, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट रहेगा ए, वन एंड थ्री ओनली, सो आंसर जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर टू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्लासिफाइड एज स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट, इनमें से किसको किसको स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जो नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट है, क्या ये स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल सही है। किसान विकास पत्रास, यस दिस आर ऑल्सो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये भी क्या है, स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा यहाँ पे वन टू थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर टाइप्स ऑफ वीपीएन एंड इसका यूज बताना है, रिमोट एक्सेस वीपीएन यूजर, रिमोट एक्सेस वीपीएन क्या होता है, यूजेस अ सिक्योर रिमोट सर्वर, देखो रिमोट रिमोट आ रहा है ना, तो ये सही हो जाएगा, रिमोट और रिमोट तो सही है ये, याद रखना। जनरली ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपको वर्ड मैच करने हैं, ठीक है। फर्स्ट इज करेक्ट, साइड टू साइड वीपीएन यूज बाई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर मल्टीपल यूजर नीड टू एक्सेस शेयर रिसोर्स, बिल्कुल सही है, बिकॉज एक साइड हमारे पास पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक जो साइट है जो यूज़ करना चाहता है, तो ये बिल्कुल सही है, साइड टू साइड जो होते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। क्लाइंट टू सर्वर वीपीएन यूजफुल वाइल एक्सेसिंग इन सिक्योर पब्लिक लैंड, बिल्कुल सही है, जब आप इन सिक्योर पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करें तो क्लाइंट टू सर्वर वीपीएन इज यूजफुल, सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्टली मैच हो जाएगा ऑल दी पेयर्स, आंसर हो जाएगा यहाँ पे थ्री। क्वेश्चन नंबर फोर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट है टैक्स इलास्टिसिटी रिफर्स टू द चेंज इन द टैक्स रिवेन्यू एंड रेस्पॉन्स टू द चेंज इन द टैक्स रेट, बिल्कुल सही है। टैक्स इलास्टिसिटी क्या होता है, टैक्स रिवेन्यू में जो चेंज हमको देखने को मिलता है टैक्स रेट के चेंज होने से। टैक्स बोनसी रिफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रिवेन्यू, बिल्कुल सही है। टैक्स बोनसी क्या होता है, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रिवेन्यू मोबिलाइजेशन एंड रेस्पॉन्स टू ग्रोथ इन दी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब ग्रोथ होता है ना, तो हमारे पास जो मोबिलाइजेशन देखने को मिलता है उसको, है ना, मोबिलाइजेशन इन रिस्पॉन्स, है ना, जो मोबिलाइजेशन देखने को मिलता है, मोबिलाइजेशन इज वॉट, मोबिलाइजेशन इन द रिस्पॉन्स ऑफ ग्रोथ, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को हम टैक्स बोनसी कहते हैं। इतना सारा याद नहीं रखना होता ब्रो, याद रखना होता है एमसीक्यूज के लिए, टैक्स बोनसी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रिवेन्यू। ओके, एंड टैक्स इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मीन्स चेंज, टैक्स टैक्स एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर बाय द गवर्नमेंट इन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। नो, जो टैक्स एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट सब्सिडीज पे देने के बाद जो अपना फायदा जो वो छोड़ देती है, दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके, जो वो छोड़ देती है उसको क्या बोलते हैं, टैक्स एक्सपेंडिचर बोलते हैं, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हमारे पास क्या जाएगा, वन एंड टू, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर फ्यूजन, हमको बात किसकी करनी है, न्यूक्लियर फ्यूजन की, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, न्यूक्लियर फ्यूजन इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग ऑफ सेवरल स्मॉल न्यूक्लियाई इन टू वन लार्ज न्यूक्लियाई विद द सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं और एक लार्ज न्यूक्लियाई हमारे पास बनाते हैं, दिस इज करेक्ट। न्यूक्लियर फ्यूजन एमिट हार्मफुल टॉक्सिन्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ग्रीन हाउस गैस। नो, न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या निकलते हैं भाई, रेज निकलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलते हैं, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता भाई, है ना, पार्टिकल्स निकलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा वन ऑनली, आंसर जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्रेफीन इज अ टू डायमेंशनल मटेरियल एंड हैज़ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिल्कुल सही है। ग्रेफीन क्या है, टू डायमेंशनल मटेरियल है और इसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्या होती है, गुड होती है। ग्रेफीन डिस्प्ले एन
एनोमोलस जाइंट मैग्नेटो रेसिस्टेंट एट रूम टेम्परेचर। ग्रेफिन क्या मैग्नेटो रेसिस्टेंट होता है? रुक जाते हैं, देखते हैं। ग्रेफिन इज एंटायरली मेड ऑफ सिलिकॉन, इट इज मेड ऑफ कार्बन। थर्ड इज इनकरेक्ट ना, थर्ड को मैंने हटा दिया, वन तो होना ही है। अब फोर देखते हैं, ग्रेफिन सेंसर कुड बूस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनिटरिंग क्रॉप इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। बिल्कुल सही है, ओके। सो सेकेंड वाला तो गलत हो जाएगा, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 4, फिर सेकेंड वाला भी सही हो जाएगा मतलब, ओके। ना क्वेश्चन नंबर, जायंट मैग्नेटो रेसिस्टेंट मटेरियल होता है वो रूम टेम्परेचर, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमको कुछ स्टेटमेंट दिया है, हमको स्टेटमेंट के बारे में बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स में हमारे पास स्टेटमेंट दिए, हमको स्टेटमेंट के बारे में बताना है। फ्रीडम फाइटर्स दिए हैं और उनके एसोसिएटेड किसके साथ ही हमको बताना है। फ्रीडम फाइटर में हमारे पास है मतंगिनी हजरा जो थे, क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे? क्या सही है, जो मतंगिनी हजरा थी क्या ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एसोसिएटेड थी क्या? बिल्कुल सही है, मतंगिनी हजरा है, इट इज एसोसिएटेड वॉट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गुलाब कौर, क्या गुलाब कौर गदर पार्टी के साथ एसोसिएटेड है? बिल्कुल सही है। जो रानी अबाका है, क्या तेलंगाना में जो आम रिप्रेजेंट हुआ था उसके साथ एसोसिएटेड है? नो, रानी अकाबा तो जो विजयनगर एम्पायर में बन हुई थी भाई, विजयनगर एम्पायर में बन हुई थी, है ना। तो कौन सी ऐसी फीमेल है जेट इज हु इज एसोसिएटेड विद तेलंगाना आम रिबेलियन? चकली इलमा, कौन है ये? चकली इलमा वो वुमेन थी जो कि एसोसिएट थी तेलंगाना में जो आम रिबेलियन हुआ था 1947 में उसके साथ, ठीक है। फोर्थ है दुर्गावती देवी, है ना, जो दुर्गा भाभी जिनको बुलाते थे अपने पास भगत सिंह, वही नौजवान भारत सभा के मेंबर एसोसिएट है। बिल्कुल सही है, करेक्टली मैच हमसे पूछा है, तो करेक्टली मैच यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 4। गुलाब कौर, गदर पार्टी, मतंगिनी हजरा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, एंड चकली इलमा इज एसोसिएटेड विद तेलंगाना आर्म रिबेलियन एंड दुर्गावती देवी इज एसोसिएटेड विद नौजवान भारत सभा। करेक्टली मैच हमसे पूछा है, तो यहाँ पे ओनली 3 प्लेयर्स आ करेक्टली मैच, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद रेफरेंस टू सेलेस्टियल बॉडी मेक आयरिस एंड हुमिया, हमको बात किसी करनी है मेक आयरिस और हुमिया की। दे आर व्हाट? दे आर ड्वार्फ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये क्या है? ये ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लैनेट के लिए पहले बात उसका एक ऑर्बिट होना चाहिए, दूसरा उसका इतना छोटा साइज नहीं होना चाहिए कि उसका मतलब उसका इतना मास होना चाहिए कि वो राउंड शेप का हो, और उसके आसपास हमारे पास कोई और भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ ही किसी का मून भी नहीं होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, जैसे प्लूटो है, ओके। सो वो वाला क्वेश्चन करना। 9th, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वराजिस्ट अपोज काउंसिल एंट्री एंड एडवोकेटेड कंसंट्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क। जो स्वराजिस्ट थे क्या वो काउंसिल एंट्री को अपोज करते थे यार? हाँ, नो, स्वराजिस्ट तो काउंसिल एंट्री को प्रमोट करते थे, वो चाहते थे कि काउंसिल एंट्री हो, सो दिस इज इनकरेक्ट ना, दे वांट ना, दे डू नॉट अपोज्ड एंड दे सपोर्टेड। सेकंड है, द डिफीट ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल इन 1928 वाज नॉट वर्दी अचीवमेंट ऑफ स्वराजिस्ट। बिल्कुल सही है, स्वराजिस्ट में मेन कौन थे? सी आर दास थे, है ना, मोतीलाल नेहरू थे, ओके, ये सब जिनको हम नो चेंजर्स कहते थे, है ना, विच इज अ ग्रुप विद इन दी वॉट? कांग्रेस। राजेंद्र प्रसाद, एम ए अंसारी वेयर प्रोमिनेंट नो चेंजर्स लेटर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, नो चेंजर्स मैंने जो पहले सॉरी नो चेंजर्स मतलब जो स्वराजिस्ट नहीं थे उनको नो चेंजर्स बोलते थे, ठीक है ना। तो राजेंद्र प्रसाद और एम ए अंसारी नो चेंजर्स थे, ठीक है। स्वराजिस्ट, देखो स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स में डिवाइड हुआ, स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स, है ना। नो चेंजर्स में हमारा सी राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, एम ए अंसारी थे, है ना, और स्वराजिस्ट के अंदर सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, ओके, दिस इज करेक्ट।
कंफ्यूज मत होना दोनों में, नो चेंजर्स अलग हैं, स्वराजिस्ट अलग हैं, ठीक है। नो चेंजर्स को नो चेंजर्स क्यों कहते हैं, बिकॉज वो अपनी बात पर अड़े रहे, ठीक है, वो चेंज नहीं हुए, वो अपनी बात पर अड़े रहे। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या है भाई, करेक्ट क्या है यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा 2 एंड 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इंटरेस्ट ऑन सोवरेन बॉन्ड, जो सोवरेन बॉन्ड उन्होंने इशू किए हैं उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या होंगे, एक तरह से इनकम ही तो होगा, है ना। सी सियंगरेज, सियंगरेज ये भी एक तरह से क्या है, अपने पास इनकम है, इनकम का सोर्स है ये। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अदर बैंक, यस इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, हमने दूसरे बैंक दे तो हमको इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट ऑन फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिल्कुल सही है, फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम रखे हैं तो उसमें इंटरेस्ट देगा ना भाई, हमने पैसा उसको दिया है तो। करंट हमसे पूछा गया, करंट जगह इन तीन चारों क्या है हमारे पास, इट इज सोर्स फॉर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच आर द फॉलोइंग वेयर द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है, इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करनी है, किसकी किसकी इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करनी है, ब्रिटिश रूल की इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करनी है। क्या हमारे कोई ब्रिटिश रूल की वजह से हमारे देश में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, बिल्कुल सही है, रूलराइजेशन हो गया, हमारा देश और भी ज़्यादा बैकवर्डनेस की तरफ चला गया, है ना। राइज ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, बिल्कुल सही है, गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया, लैंडलॉर्ड्स का जमाना आ गया। एंड कमर्शियलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, ये भी सही है। फोर्थ को लोग क्या करेंगे, हटा देंगे मैक्सिमम चीज, बगैर फोर्थ इस क्राइटेरिया, कमर्शियलाइजेशन भी तो हुआ एग्रीकल्चर का, है ना, वो अलग बात है, जो चीज़ों की जरूरत था उसको कम कर दिया गया। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह यहाँ पे 4, ऑल द फॉरेक्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। हमको बात किसकी करनी है, एनबीएफसी की बात करनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की। एनबीएफसी आर रजिस्टर्ड थ्रू द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, बिल्कुल सही है। एनबीएफसी कैन इन्वेस्ट द मनी ऑफ डिपॉजिटर इनटू द इक्विटी मार्केट, बिल्कुल सही है। जो मनी है डिपॉजिटर ने जो इन्वेस्ट किया है ना, किसके अंदर, एनबीएफसी के अंदर, क्या उसको इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड में, सिक्योरिटी में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं एनबीएफसी वाले, है ना। बेसल नॉर्म्स आर नॉट एप्लीकेबल टू एनबीएफसी, नो बेसल नॉर्म्स आर एप्लीकेबल टू एनबीएफसी, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद रेफरेंस टू ट्रैवलर्स हु विजिटेड विजयनगर एम्पायर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है, ऐसे ट्रैवलर्स हु विजिटेड विजयनगर एम्पायर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। According to Fernio Nunes, meat was sold in abundance in the marketplace of the Vijayanagar Empire. बिल्कुल सही है, Fernio Nunes जो कि आए थे उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा मीट सोल्ड किया जा रहा है कहाँ पे, marketplace में, विजयनगर एम्पायर के marketplace में बहुत ज़्यादा सोल्ड किया जा रहा है मीट। Second है, Persian traveler अब्दुल रजाक visited विजयनगर in the region of देवराया 1, बिल्कुल सही है। अब्दुल रजाक जो थे वो कब आए थे, कृष्णदेवराय ने देवराया 2 के समय, नॉट 1, 2 के समय आए थे। इटालियन ट्रैवलर निकोलो कॉन्टी विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कृष्णदेवराय, नो कृष्णदेवराय का जो रीजन था वो था 1509 से लेके 1527 तक, और निकोलो कॉन्टी आए थे अराउंड 1460s के आसपास, तो उसके तो पहले आ गए थे। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 एंड 2। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या पूछा है, 14 है, विथ रेफरेंस टू नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात है ना, बात करनी है किसकी, बात करनी है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की। द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन वॉज लॉन्च ऑन द लाइन्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन, बिल्कुल सही है ना। ये जो था नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन उसको लॉन्च किया गया किसके कहने पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के ऊपर, उसके हिसाब से। The National Health Authority fixes the ceiling price of all scheduled formulation appearing in the NLEM. No, it is the National Pharmaceutical Pricing Authority. National Pharmaceutical Pricing Authority fix करती है, NPPA fix करती है इसको। Second is incorrect. Third है, the drug pricing द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर
गवर्निंग NLEM इज डिराइव फ्रॉम द ड्रग कंट्रोल एक्ट ऑफ 1950। बिल्कुल सही है, जो ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर है वो कहाँ से आता है, अपना पावर इसको कहाँ से मिलता है, ड्रग कंट्रोल एक्ट से मिलता है, ठीक है ना। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 15 है, थुंडी बीच कदमत बीच हैव बीन इन न्यूज रिसेंटली, दे आर लोकेटेड इन। थुंडी बीच और कदमत बीच कहाँ पे हैं भाई, थुंडी बीच और कदमत बीच है अंडमान एंड निकोबार में। थुंडी बीच और कदमत बीच कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 16 है, विथ रेफरेंस टू नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, हमको बात करनी है ENAM की, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन इज द लीड एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग ENAM। क्या इसको सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन इसको इम्प्लीमेंट करता है, तो यहाँ पे लीड एजेंसी कौन है, स्मॉल एग्री बिजनेस फार्मर कंसोर्टियम। ओके, स्मॉल एग्री बिजनेस फार्मर कंसोर्टियम इज द लीडिंग एजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। सो फर्स्ट इज इन करेक्ट। प्रेजेंटली ओनली फूड ग्रेन्स एंड सीरियल्स आर अलाउड टू बी ट्रेडेड, नो। फूड ग्रेन्स सीरियल प्लस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी हम ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे, ई मार्केट प्लेस में, ठीक है ना। ENAM कैन हेल्प इन प्रोवाइडिंग बेटर प्राइस डिस्कवरी फॉर फार्मर थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस। बिल्कुल सही है, हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट भी आएगा 1 और 2, ठीक है। तो ओके, इससे पहले हमारे पास क्वेश्चन देख लेते हैं यार, ये वाला, ठीक है ना, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ठीक है। तो ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर गवर्निंग NLEM, नो, ये जो NLEM है सो गवर्न कौन करता है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ठीक है ना, जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है उसको कौन गवर्न करता है, एन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। थर्ड इज ऑल्सो इन करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट यहाँ पे 1 only। ओके, उसके बाद थुंडी बीच और कडमट बीच कहाँ पे हैं, दे आर इन लक्षद्वीप। ओके, थुंडी बीच एंड कडमट बीच कहाँ पे हैं, लक्षद्वीप आयलैंड में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है, तगीन ट्राइब इज नेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। तगीन ट्राइब कहाँ से बिलोंग करते, दे बिलोंग टू अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सिग्निफाइज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है ना। इनमें से कौन सा चीज सिग्निफाई करेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स रहेंगे, तो सही है। मोनोपोलिस्टिक मतलब बहुत सारा इन बहुत सारा आउट के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखने को मिलेगा। ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, बिल्कुल सही है, बहुत सारे आने के चांसेस हैं, बहुत सारे जाने के चांसेस हैं, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखने को मिलेगा, मोनोपोली से कन्फ्यूज मत होना। हाई बैरियर टू एंट्री, देखो भाई हाई बैरियर टू एंट्री होगा तो बहुत सारे बायर्स और सेलर्स आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, बहुत सारे सेलर्स नहीं आ पाएंगे, सो यहाँ पे लो बैरियर होता है, लो बैरियर, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट होगा 1 और 2। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए हमको अंदर आना बाहर आना बहुत आसान होना चाहिए, है ना, अपने पास डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया वॉज हैज बीन क्रिएटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया किसने रिलीज किया है, किसने क्रिएट किया है, बोर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने क्या किया, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया बनाया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वायलेटिव ऑफ राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वायलेटिव ऑफ राइट टू इक्वालिटी एज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजन मेड फॉर एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, बिल्कुल सही है, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए अगर हमने किसी प्रोविजन बनाया है तो उसको हम वायलेशन नहीं मानेंगे राइट टू इक्वालिटी के अंदर। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14-18 आता है। सेकंड है, प्रोविजन मेड फॉर एडमिशन इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देखो भाई ये आर्टिकल 28 का पार्ट है, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वालिटी के अंदर नहीं आएगा। प्रोविजन मेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू द मैटरनिटी बेनिफिट, ये देखो ये हमारे पास किसके अंदर आएगा, 14 के अंदर आएगा, मतलब राइट टू इक्वालिटी के अंदर आएगा, एंड दैट इज अंदर 16। करेक्ट हमसे पूछा गया है, एम्प्लॉयमेंट है ना, पहले एजुकेशन है पहले एम्प्लॉयमेंट है, पहले एजुकेशन है यार उसके बाद एम्प्लॉयमेंट आता है। ओके, सो 16 है, सही करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेगा 1 और 3 किसके अंदर आएगा, नॉट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी, है ना, 14-18, बिकॉज सेकंड वाला तो आर्टिकल 14-18 के बीच में आता ही नहीं है, ये किसके बीच में, ये किसका नंबर आता है, इसका नंबर 28 है भाई।
क्वेश्चन 21 है, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स। हमको बात किसी करनी है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की बात करनी है, करेक्ट बताना है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच एनीवन कैन डोनेट मनी टू द पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल सही है। SBI इज द ओनली ऑथराइज्ड बैंक टू इशू सच बॉन्ड, ये भी सही है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड इज अ बियर इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, ये भी सही है। अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ बॉडी इनकॉर्पोरेट इन इंडिया इज एलिजिबल टू परचेज, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट हो जाएगा सब। डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन 23 है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स और कंसीडर द फॉलोइंग मेंबर्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंबर आर देयर इन द कमिटी टू एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है तो इनमें से कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, बिल्कुल सही है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होता है, बिल्कुल सही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, बिल्कुल सही है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा होता है, नहीं होता। सो ओनली 3 मेंबर्स, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड लेक्स ऑफ इराक इज सीइंग टू सीइंग अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन वाटर लेवल एंड हैज बीन हिट बाय पॉपुलेशन एंड हाई लेवल ऑफ सैलिनिटी, ये कौन है भाई? लेक राजाजा। नाउ क्वेश्चन 25 है, रिसेंटली इंडिया हैज सेट अप फर्स्ट एवर लिक्विड वेयर टेलीस्कोप। लिक्विड वेयर में यहाँ पे कौन से इस्तेमाल किया गया, मरकरी को इस्तेमाल किया गया है। ओके, और इसको कहाँ पे सेट अप किया गया है, नैनीताल उत्तराखंड के अंदर देवास्थल ऑब्जर्वेटरी पे। क्वेश्चन 26 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू गवर्नर एंड हिज पावर। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है गवर्नर की और उसकी पावर की। द गवर्नर कैन समन प्रोरोग एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव हाउस विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नो। ये उसको प्रोरोग समन और डिसॉल्व कर सकता है गवर्नर, लेकिन किसकी इजाजत से, किसकी एडवाइस से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से। सो दिस इज इनकरेक्ट। देयर इज नो लिमिट सेट फॉर हाउ लॉन्ग अ गवर्नर कैन विथहोल्ड असेंट टू अ बिल, बिल्कुल सही है। द रिकमेंडेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन गिवन टू द गवर्नर, बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है ना। द रिजर्वेशन ऑफ अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन बाय द गवर्नर कैन बी डन ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये गलत है भाई, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, याद रखना फर्स्ट इज इनकरेक्ट। और करेक्ट क्या है, 2 और 3। क्वेश्चन 97 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। चारों के चारों किसमें हमारे पास मेंबर हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। अफगानिस्तान इज नॉट अ मेंबर, तुर्कमिस्तान इज नॉट अ मेंबर, तुर्कमिस्तान इज नॉट अ मेंबर। तो इंडिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड चाइना आर द मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इज इन बीजिंग, नॉट इन शंघाई। 28 है, विद रेफरेंस टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1996। भाई कैसे समझ रहे हो यार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट से बनेगा ना। हाँ, इट इज क्रिएटेड अंडर द BIS एक्ट ऑफ 1986। सो दिस इज इनकरेक्ट। इट वर्क अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गलत भाई, होम अफेयर्स के नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही काम करते हैं। ओके, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम करता है एंड इट इज अ नेशनल स्टेटरी बॉडी ऑफ इंडिया। क्या एक नेशनल स्टेटरी बॉडी है इंडिया का, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा सी, 2 और 3 ओनली। क्वेश्चन 29 है, टर्म रेनफोर्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमको बात किसकी करनी है, रेनफोर्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीटिंग की बात करनी है। किसकी बात करनी है, रेनफोर्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीटिंग की बात करनी है। इट इज रिलेटेड टू व्हाट, रेनफोर्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीटिंग किसके साथ रिलेटेड है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के साथ रिलेटेड है ये, है ना। ये किसके साथ रिलेटेड है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के साथ एसोसिएट है ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीनोम सिक्वेंसिस ऑफेंसिंग इन द न्यूज बी यूज इन इंटरमीडिएट फ्यूचर, ठीक है। इमीडिएट फ्यूचर में जीनोम सिक्वेंसिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।
जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिसीज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट। बिल्कुल सही है। दिस टेक्निक हेल्प इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट। बिल्कुल सही है। जीनोम सिक्वेंसिंग का हम इस्तेमाल करके हम जो टाइम लगता है नया वेराइटी बनाने में उसको कम कर सकते हैं। थर्ड है, इट कैन बी यूज टू डिसाइफर होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप। इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप को हम डिसाइफर कर सकते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 31 है, द टाइटल 42 इमिग्रेशन पॉलिसी। बात सी करनी है टाइटल 42 इमिग्रेशन पॉलिसी समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो टाइटल 42 इज इन न्यूज विद रेफरेंस टू यूएसए। 32 है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात सी करनी है इंडियन इकोनॉमी की बात करनी है। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नो, मनी सप्लाई कम करना चाहेगा। इन्फ्लेशन ज्यादा है तो मनी सप्लाई कम करना चाहेगा। मनी सप्लाई कम करने के लिए सेल कर देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिससे लोगों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाएगा और पैसा किसके पास आ जाए, आरबीआई के पास आ जाए। सो फर्स्ट इज इन करेक्ट। इफ द रूपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। अगर रूपी डिप्रिशिएट कर रहा है तो आरबीआई डॉलर सेल करेगी। बिल्कुल सही है। इफ इंटरेस्ट रेट इन यूएसए और यूरोप वेयर टू फॉल देर इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर। बिल्कुल सही है ना। इंटरेस्ट रेट अगर यूएसए हमारे पास वहाँ पे फॉल हो रहे हैं है ना, तो लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो रुपी बाय करेंगे, रुपी बाय करेंगे तो रुपी अप्रिशिएट होगा, लेकिन उसको मेंटेन करना है तो आरबीआई क्या करेगी, डॉलर को बाय करेगी। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा 2 और 3। क्वेश्चन 33 है, विद रेफरेंस टू म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज। हमको बात किसी करनी है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी की बात करनी है, MLAT की बात करनी है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, दी MLAT इज अ क्रिमिनल मैटर, दी MLAT इन क्रिमिनल मैटर आर दी बायलेटरल ट्रीटीज एंटर्ड बिटवीन दी कंट्रीज फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड असिस्टेंस। ओके, बिल्कुल सही है। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज द नोडल एजेंसी फॉर दी एंड द सेंट्रल अथॉरिटी फॉर सीकिंग एंड प्रोवाइडिंग म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल लॉ मैटर। नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इनकरेक्ट है, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा 1 only। क्वेश्चन 34 है, विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। हमको बात किसी करनी है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिल्ली's करंट स्टेटस एज अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली इज एन आउटकम ऑफ दिस एक्ट। नो, इट इज एन आउटकम ऑफ द विच अमेंडमेंट, इट इज द आउटकम ऑफ द 91st अमेंडमेंट। 1992 में हुआ था क्या? सॉरी, इट इज द रिजल्ट ऑफ द 69th अमेंडमेंट जो कि 1992 में हुआ था, सॉरी 1991 में हुआ था। ओके, जिससे क्या बनाया, आर्टिकल 3 क्या बनाया गया, आर्टिकल 239 बनाया गया, 239AA। द एक्ट आउटलाइन द डिस्क्रिशनरी पावर एंजॉयड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। क्या ये आउटलाइन करता है कि डिस्क्रिशनरी पावर कौन कौन से चीजों में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है? बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा 2 only। क्वेश्चन 35 है, विद रेफरेंस टू डिजिटल इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है, डिजिटल इकोनॉमी की बात करनी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ वाइट लिस्ट इज अ साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी दैट अप्रूव अ लिस्ट ऑफ ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस, डोमेन नेम्स और एप्लीकेशन व्हाइल डिनाइंग ऑल अदर्स। नो, वाइट लिस्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सॉरी, वाइट लिस्ट के अंदर ये सब चीजें आती है, ईमेल एड्रेस आता है, आईपी एड्रेस आता है, डोमेन नेम्स आता है, एप्लीकेशन आते हैं, है ना। सो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड है, द फर्स्ट लॉस गारंटी इज अ मैकेनिज्म, द फर्स्ट लॉस गारंटी इज अ मैकेनिज्म वेयर बाय अ थर्ड पार्टी कंपेंसेट लेंडर इफ द बोरोवर डिफॉल्ट। बिल्कुल सही है, फर्स्ट लॉ गारंटी जो है एक मैकेनिज्म है जिसमें थर्ड पार्टी कंपेंसेट करता है। अगर कोई बोरोवर है ना, तो मैं पैसा दिया हूँ, ठीक है, कोई पैसा लिया है, वो पैसा जो लिया है वो मेरे पैसा नहीं दिया, तो मैं कोई थर्ड पार्टी उसका उसका पैसा मेरे को देगा। दिस इज करेक्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉस गारंटी। करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन 36 है, विद रेफरेंस टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हमको बात किसकी करनी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करनी है, NPA की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। बिल्कुल सही है, द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो
ऑफ स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है सब्सटेंशियली इंक्रीज इन द पास्ट 5 ईयर। देखो जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो इकोनॉमिक सर्वे है 2022-23 का, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि पिछले 7 सालों में हमारे पास जो सबसे लोएस्ट हमारे पास एनपीए है वो हमको 2022-23 में देखने को मिला अराउंड 5%। ओके सो दिस इज नॉट इंक्रीज, दिस हैज बीन डिक्रीज्ड। ओके तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा वन ओनली आंसर जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37 है विद रेफरेंस टू मीथेन प्रोडक्शन एंड एमिशन, हमको बात किसकी करनी है, मीथेन प्रोडक्शन एंड एमिशन की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ कैटल एंड टर्माइट रिलीज मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही है। सेकेंड है मीथेन कैन बी प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज बाय बायोडिग्रेडेशन ऑफ सीवीड्स, बिल्कुल सही है। डायरेक्ट सीडेड राइस है ना टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्नोलॉजी रिड्यूस द मीथेन एमिशन, ये भी सही है। फोर्थ है द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशन इज द एनर्जी सेक्टर, नो इट इज द वेटलैंड्स, वेटलैंड्स के बाद कौन है एग्रीकल्चर, ये गलत हो जाएगा, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 है इन इंडिया विच द फॉलोइंग मेजर कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन, इनमें से क्या चीज इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकती है। अवॉइडिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट, बैंक के नोट ना छापे गवर्नमेंट तो क्या होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा। बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी तो लोगों का पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बाय डिक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो, नो कैश रिजर्व रेशियो वो पैसा है जो बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई के साथ, आरबीआई के पास, ठीक है, और ये अगर इसको बढ़ा देगी तो बैंकों को पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, तो बैंक के पास ज्यादा पैसा नहीं होगा लोन देने के लिए, जब बैंक लोन देंगे नहीं पैसा लोगों के पास आएगा नहीं, पैसा लोगों के पास आएगा नहीं वो चीजें खरीदेंगे नहीं, महंगाई आएगी नहीं। सो इंक्रीज करने से कैश रिजर्व रेशियो हमारे पास इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, नॉट टू डिक्रीज, सो थर्ड इज इनकरेक्ट। फोर्थ है बाय प्रिवेंटिंग ब्लैक मार्केटिंग, बिल्कुल सही है, ब्लैक मार्केटिंग को प्रिवेंट करके हम इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज ब्लैक मार्केट से मनी इंजेक्ट किया जाता है इकोनॉमी के अंदर। ओके करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 4, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन 39 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, हमको बात किसी करनी है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की। द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम इज द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, बिल्कुल सही है। टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, नो टू द एब्सेंस, ओके टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है एब्सेंस होता है एक्स क्रोमोसोम, सो सेकंड इज इनकरेक्ट। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज कॉज्ड टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, नो यहां पे प्रेजेंस हो जाता है, ओके सो ये भी इनकरेक्ट है, करेक्ट हमसे पूछा कर जाएगा वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 40 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फूड वेब प्रोवाइड्स ऑल पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स अमंग द ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, बिल्कुल सही है। The removal of any intermediate food chain will have no overall effect on food web, गलत बात है भाई, अगर एक इमीडिएट को हमने निकाल दिया फूड चेन से तो उसके जो नीचे वाले होंगे वो अमाउंट, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, जब उसका अमाउंट बढ़ जाएगा तो क्या फूड वेब को अफेक्ट करेगा, बिल्कुल अफेक्ट करेगा, सो दिस इज इनकरेक्ट, ये बोल रहा है इफेक्ट नहीं करेगा बोल रहा है जो कि गलत बोल रहा है भाई। थर्ड है द फूड प्रिफरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन शिफ्ट सीजनली, बिल्कुल सही है भाई, जहाँ पे जो भी अवेलेबल, जैसे आप आदमी है गर्मी मौसम में क्या दही पिएगा, ठंडी मौसम में क्या पिएगा चाय पिएगा, तो फूड प्रिफरेंस से डिपेंड करता है किसमें सीजन पे, उसी प्रकार एनिमल का भी डिपेंड करता है, ऑर्गेनिजम्स का भी डिपेंड करता है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 एंड 3, आंसर जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन है 41 है विद रेस्पेक्ट टू मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको बात किसकी करनी है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करनी है, हमसे क्या पूछा गया है सही पूछा गया है। सुवार रैंक ऑफ द मनसबदार इंडिकेट द पर्सनल स्टेटस ऑफ द पर्सन इन द एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की, जो सुवार रैंक है मनसबदार का वो पर्सनल स्टेटस को बताता है कि नो इट इज जात रैंक, जात रैंक जो है वो पर्सनल स्टेटस को बताता है, सवार रैंक ये बताता है कि कितना उसको हॉर्सेस रखने पड़ेंगे, कितना उसको कैवलरी रखना पड़ेगा, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। मीर समन वॉज द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस एंड इन्फॉर्मेशन एजेंसी, नो इट इज नॉट मीर समन, इट इज मीर बख्शी, सेकेंड इज इनकरेक्ट। मीर बख्शी वॉज रिकमेंड, मीर बख्शी मेड रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट मनसब टू द एम्परर, बिल्कुल सही है, मीर बख्शी मिलिट्री भी हेड होता है और यही बताता है कि मनसबदार किसको बनाना है, यही बताता है एम्परर को, करेक्ट, मतलब मीर बख्शी की इंपॉर्टेंट पोस्ट है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 42 है विथ रेफरेंस टू इंडिया सार्स कोवी टू जीनोमिक कंसोरियम, हमको बात करनी है इंडिया सार्स कोवी टू जीनोमिक कंसोरियम की बात करनी है इन सैको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ मल्टी लैबोरेटरी मल्टी एजेंसी पैन इंडिया नेटवर्क टू मॉनिटर जीनोमिक वेरिएशन इन द सार्स कोवी टू, बिल्कुल सही है। इट इज जॉइंटली इनिशिएटेड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नो
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने आईसीएमआर के साथ मिलके, है ना, आईसीएमआर यूनियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च प्लस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्लस CSIR, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन चारों ने मिलकर क्या किया है ना, SARS-CoV-2 जीनोमिक कॉन्सोरियम बनाया है, ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट. टू असर्टेन द स्टेटस ऑफ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न इन इंडिया, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ INSACOG. बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट आएगा यहाँ पे 1 and 3. क्वेश्चन नंबर 43 है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट विद रेफरेंस टू मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. हमको बात किसकी करनी है, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करनी है ना, इसको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है. तीन इवेंट दिए हुए हैं भाई, विजिट ऑफ द फेमस ट्रैवलर इबन बतूता किसके समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, दैट इज अराउंड 1335 के आसपास है ये. इन्वेजन ऑफ द सेंट्रल एशिया बाई चंगेज खान अराउंड 1200 एंड शुरुआत में ही आया, 1201-2 के आसपास, ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं, बस आसपास से यहाँ पे जरूरी है. रजा सुल्तान, देखो इल्तुतमिश जो था उसके समय चंगेज खान का इन्वेजन था, उसके बाद रजा सुल्तान आया ना, तो हमारे पास 2 पहले होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, आंसर होगा हमारे पास बी. क्वेश्चन नंबर 44 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स. हमको बात किसी करनी है, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स की बात करनी है. एंड देर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस एट वर्क इन द यूनिवर्स. देखो इस स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स के हिसाब से देर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस, ओके, है ना, देर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स के हिसाब से, दिस इज इनकरेक्ट. सो देर आर 3 फंडामेंटल फोर्सेस, कौन कौन से, नहीं भाई वो पार्टिकुलेट वाला था, वो पार्टिकल वाला कॉन्सेप्ट था, ये पार्टिकल वाला यहाँ पर मौजूद है, ठीक है. पार्टिकल मॉडल ऑफ फिजिक्स है ना, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ठीक है. While gravitational force has infinite range, electromagnetic force is effective over a very short range. गलत बात है भाई, infinite range किसका किसका होता है, electromagnetic wave का होता है, और gravitational wave दोनों का क्या होता है, infinite range होता है. So this is incorrect. Both have infinite range. While gravitational force is weakest, electromagnetic force is the strongest among the 4 fundamental force. No, the strong nuclear force is the most strongest. तो हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1 only. क्वेश्चन नंबर 45 है, विद रेफरेंस टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स. ठीक है, हमको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उनके फीचर के बारे में बताना है. सुशीनगर क्या है, एक हमारे पास स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, इट इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, टेडंग टेडंग जो वायलिन होता है वैसे टाइप का है ये. मंडोलिन क्या है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल सही, मंडोलिन मतलब वायलिन के जैसा होता है ना, सुशीनगर भी उसके जैसा होता है. एंड ओनाविलू क्या है, बोट शेप्ड इंस्ट्रूमेंट है, बोट शेप मतलब समझे ना, ये जो सहनाई टाइप का होता है वैसे टाइप का इंस्ट्रूमेंट है ये, है ना, ओनावल्ला, ओके, ओनाविलू करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 and 3 आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी. क्वेश्चन 46 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी व्हाट इज धवन टू क्या है भाई, इट इज अ 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन डेवलप्ड बाय द स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि प्राइवेटली लॉन्च व्हीकल जिसने पहला लॉन्च किया था विक्रम एस का, ठीक है ना, इसी ने क्या बनाया, 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन बनाया है ना, ये सॉलिड सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल है. 47 है, रिसेंटली ओडिशा स्टेट कैबिनेट हैव अप्रूव्ड अमेंडमेंट टू द श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट ऑफ 1954. इन दिस कॉन्टेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग श्री जगन्नाथ टेम्पल. हमको बात किसी करनी है, श्री जगन्नाथ टेम्पल की बात करनी है. इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गंगा डायनेस्टी, बिल्कुल सही है, गंगा डायनेस्टी अराउंड 11th century CE में इसको बनाया गया था. एंड इट इज मेड इन द पंचरथा स्टाइल, बिल्कुल सही है. लॉर्ड शिवा इज द प्रिंसिपल डिटी वर्शिप एट द टेम्पल. नो, लॉर्ड शिवा नहीं, जगन्नाथ भगवान की यहाँ पे वर्शिप होती है. जगन्नाथ भनु क्या है, जगन्नाथ भगवान किसका रूप है, विष्णु भगवान का रूप है, ठीक है, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट है यहाँ पे 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 48 है, विद रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. हमको बात किसी करनी है, इंडिया के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करनी है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, PSLV लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, वेयर एज GSLV आर डिजाइंड मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट. बिल्कुल सही है, जो GSLV है ज़्यादा ऊपर तक सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, इसीलिए जो GSLV है उसका इस्तेमाल होता है. फॉर वॉट, फॉर लॉन्चिंग द कम्युनिकेशन सैटेलाइट. तो फर्स्ट इज करेक्ट. सेकेंड है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, दैट इज LVM मार्क 3 इज द हैवीएस्ट रॉकेट करंटली इन यूज. बिल्कुल सही है, LVM मार्क 3 सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है और इसका इस्तेमाल किया जाएगा गगनयान को लॉन्च करने में.
इट इज इन इट्स फर्स्ट कमर्शियल मिशन LVM3 लॉन्च 36 सैटेलाइट बिलोंगिंग टू वन वेब कॉन्स्टिलेशन। बिल्कुल सही है, हमसे करेक्ट पूछा गया भाई, करेक्ट है 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 49 है, वन ऑफ द सोर्स ऑफ नोइंग एंशियंट इंडिया इज थ्रू इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग। हमको बात किसकी करनी है, इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग की बात करनी है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेजर एडिक्ट ऑफ अशोका फाउंड नियर कांदाहार वे रिटन एक्सक्लूसिव इन पाली। भाई कांदाहार में पाली चलेगा तो वहां पे लिखे पाली के अंदर, तो समझ आएगा लोगों को कांदाहार में लिखा हुआ है, बट वो लिखा हुआ है ग्रीक के अंदर, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट है ना। काराम दंडा स्टोन इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब चंद्रगुप्त मौर्य रीजन इन डिटेल, नो। जो करम दत्ता स्टोन इंस्क्रिप्शन है, जो कि कुमारा गुप्ता 2 ने बनाया था, वो बाकी सभी के बारे में बता रहा है कि कोर्ट में क्या होता था है ना, बाकी जगह क्या होता था वो, बट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं बता रहा है भाई। पुलकेशिन II इज रिफर्स टू एज सत्य श्रेया इन आईहोले इंस्क्रिप्शन। बिल्कुल सी, इसको किसने बनाया, कोर्ट पॉइंट ऑफ पुलकेशिन II हरी सेना ने बनाया है, करेक्ट। हमसे पूछा है भाई करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द अबव इज आर एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। हमको बात किसी करनी है प्रोकैरियोटिक सेल की, तो बैटरी से प्रोकैरियोटिक सेल, बिल्कुल सही है। लोग क्या सोचते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जो है प्लांट टाइप का है, तो यूरेटी, नो, ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो प्रोकैरियोटिक सेल, माइक्रोप्लाज्मा इज ऑल्सो प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें से चारों के तीनों के तीनों क्या है प्रोकैरियोटिक सेल है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी।